मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश के चलते सरपंच पति ने एक युवक के दोनों हाथ काट दिए। इसके बाद खून से लथपथ हालत में युवक थाने पहुंचा और पुलिस को रो रोकर पूरी आपबीती बताई, साथ ही आरोपियों के नाम बताए। अरे नाम तो लिखो, फिर उसके बाद में बात फोन भी आई है। अरे नहीं बताना पड़ा है, जब तो तुम मान लो मैं गरीब आदमी हूँ। अरे फिर लिख लेना मेरे बयान तो ले सर। इसके बाद आनन फानन में युवक को गंभीर हालत में होशंगाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां हालत बिगड़ने पर नागपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने सरपंच पति सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दरअसल ये होशंगाबाद के बाबई के चोराहेट गाँव की घटना है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात को युवक मूंग बेचकर वापस गांव जा रहा था। रास्ते में उसे रोककर आरोपियों ने उसके दोनों हाथ काट दिए। टीआई अशोक बड़बड़े का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते सरपंच पति ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर युवक के हाथ काट दिए, जिसके बाद पीड़ित हालत में पुलिस थाने पहुंचा और पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। घायल को रात में ही होशंगाबाद के निजी अस्पताल में लाया गया। गंभीर हालत देखते हुए पीड़ित को नागपुर रेफर किया गया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस 2 टीम लगाकर छापेमारी कर रही है। आरोपी गांव से फरार हो गए हैं। इस मामले में सरपंच पति सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। घायल सोमेश के परिजनों को पुलिस ने सोमेश के दोनों कटे हुए हाथ दिए थे, जिन्हें जोड़ने के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन उसके हाथ नहीं जुड़ सके। सोमेश को तत्काल नागपुर रेफर किया गया है। कल 16 तारीख को 16/7/2021 को रात के करीब हमारे पास 10 बजे करीब एक व्यक्ति को घायल अवस्था में लाए थे, जिसका नाम था सोमेश चौधरी, जाति गुजर है ये और चौराहे का रहने वाला था। उसके दोनों हाथ कटे थे। हमने उसको तत्काल इलाज के लिए रवाना किया और उसके साथ में आए लोगों के द्वारा जो घटना बताई गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि सोमेश और गाँव के छुट्टू उर्फ भगवान सिंह, इन दोनों के बीच में जो है किसी बात को लेकर विवाद था। 2-3 दिन पहले विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर आपस में जो है ये लोग रंजिश, पुरानी रंजिश को लेकर इन लोगों के बीच में कल भी कहा सुनी हुई थी। इटारसी के पास मंडी में मूंग बेचने लगे थे कहीं, तो वहाँ पर इनकी हार्ट अटैक हुई। उसके बाद भगवान सिंह वहाँ से निकल के आ गया और उसने इनको जो है, जब ये वापस आए गाँव से मोटरसाइकिल एक अपने साथी नाती के साथ बैठ के आ रहा था मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो इनको जो है सेंद्रवाड़ा के थोड़ा आगे चौराहेट के पास जो है सिलारी नहर के पुलिया के ऊपर इसको घेर करके और इनको मारपीट की गई 8 लोगों के द्वारा। जो उसका साथी नाती था वो बच के भाग गया और इसको पकड़ के उन्होंने जो है तलवार और बका से इसके दोनों हाथ काट दिए। अरे नाम तो लिखो, फिर उसके बाद में बात फोन भी आई है। भगवान सिंह सरपंच बल दिया सर।